मैं रंजन कुमार अमृत दिन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपकी भी एक फिल्म जो है वो यहां स्क्रीनिंग हुआ, वो भी पटना फ्लड पे, जो कि जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ राजधानी पटना में लोगों का, विशेष रूप से राजनगर के जो निवासी थे उनका बर्बादी हुआ। तो अपना ज़रा परिचय देंगी। मेरा नाम प्रियेश्वरा है और मैंने इस फिल्म को निर्देशन के साथ साथ एडिट और इसका सिनेमेटोग्राफी किया है। फिल्म का नाम भी बता दीजिए। फिल्म का नाम है द अननोन सिटी माय ओन सिटी फ्लड। आपका मेरा नाम हुआ प्रियंतरा भारती और मैंने, दीदी ने और हमारे भैया ने मिलकर ये फिल्म बनाई है और काफ़ी अच्छा था क्योंकि हम सब खुद उस कंडीशन से जूझ रहे थे और हम लोगों ने खुद देखा अपने आसपास, एक बाछी भी पड़ी हुई थी बाढ़ के पानी में जो मर गई थी और उसकी लाश दहे जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा वो तो खैर एक बाछी है मगर वहाँ इंसान होता तो हम लोग को कैसा लगता। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये, आप राजनगर में रहती हैं क्या? हाँ, राजेंद्र वैशाली गोलम्बर है। अच्छा, प्रेरणा कैसे मिली ये फिल्म बनाना चाहिए? ये हम लोग एक तरीके से खुद से ही हम लोग बोलेंगे क्योंकि पहले हम लोग फिल्में बनाते थे पहले। हाँ, मैंने देखा हाँ, हाँ। तो हम लोग का था ना, जैसे 3 दिन के बाद तो हम लोग घर से बाहर निकले थे तो हम लोग ऐसे ही फोन में चलो कुछ दिख रहा है तो ले लेते हैं, जैसे खाना वाना बटने उठने का सीन था या पानी उनी देने का सीन था या बहुत पानी लगा हुआ था तो वो सारा सीन हम लोग ऐसे ही ले रहे थे फोन में, या फिर हेलीकॉप्टर आने का, रे छत पर हेलीकॉप्टर आया। तो जब बाद में बैठ के हम लोगों ने उस सीन को देखा तो हमें लगा कि हमें इसको उतार सकते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं। और फिर फिल्म में दो तरीके की बातें दिखाई गई हैं, एक है एक बच्चे की डायरी चल रही है और एक दूसरी तरफ बच्चों को बताया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि बाढ़ जब आए तो उसे जूझना कैसे, उसकी परेशानियों का सामना कैसे करना है या उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को समेटा क्योंकि ज़रूरी था कि हम सिर्फ अपनी परेशानियों को बताने के साथ साथ ये भी बताएं कि उस परेशानियों का हल क्या हो, उसका समाधान क्या हो। एक दर्शक भी है, इन्होंने फिल्म देखा था और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, आइए पत्रकार भी आइए। आपने ये फिल्म देखा था, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था, मुझे लगता है इससे कम हो गया जी। और मेरे ख्याल से लग रहा है 11th पटना फिल्म फिल्मोत्सव में 11th प्रतिरोध का सिनेमा पटना फिल्म फेस्टिवल लगता है सबसे यंगेस्ट आप ही होंगे जिसकी फिल्म यहाँ स्क्रीनिंग हुई। बिल्कुल, ये बच्चों के सत्र का एक स्पेशल स्क्रीनिंग था जिसमें स्पेशली बच्चों के लिए, हाँ, तो हम बच्चों के द्वारा बनाई गई फिल्में भी थी और जैसा कि टाइटल है प्रतिरोध का सिनेमा, तो ये फिल्म भी जो है वो प्रतिरोध करती है एक तरह से कि बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी इस दौरान बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, वो नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, अपना परिचय जरा दे दें आप। मेरा नाम श्याम बिहारी प्रभात जी, मैं वरिष्ठ कवि हूँ, कलाकार, नाटककार, साहित्यकार हूँ और मैं यहीं भाषा का पटना का रहने वाला हूँ। मेरी आयु केवल 87 साल है। थैंक यू। एक मिनट, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप बिहार का नाम दुनिया में रोशन करेंगी और फिल्म के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाएंगी और साथ ही साथ पुरस्कारों की बारिश भी होगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अमृत निधि न्यूज़ का भी काफ़ी काफ़ी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं रंजन कुमार, अमृत निधि, अमृत निधि पटना बिहार, नमस्कार।